विक्रम में महागठबंधन कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुई मीसा भारती। विक्रम बाजार में स्थित मंगलम उत्सव हॉल में शुक्रवार को महागठबंधन कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जहां पाटलिपुत्र लोकसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर मीसा भारती का आगमन हुआ। इस दौरान महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ हजारों की संख्या समर्थक फूलों की वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया। बताते चलें कि इस बैठक में मीसा भारती के समर्थकों की भीड़ देखकर लगा है कि पाटलिपुत्र लोकसभा में चाचा भतीजी का टक्कर जबरदस्त होने वाला है। वहीं अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मीसा भारती ने कही कि एक बार आप लोग हमें मौका देकर देखिए, आप सबों के विश्वास पर खरी उतरूंगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए राम मंदिर का आधा अधूरा प्राण प्रतिष्ठा कराया, इसमें सिर्फ अभिनेताओं और उद्योगपतियों को बुलाया, हमारे देश में बड़े बड़े मठाधीश है उनको उपेक्षित किया, युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगा है, किसानों को धोखा देने का काम किया है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया है। जाते जाते डॉक्टर मीसा भारती ने लोगों से अपील की है कि सिर्फ एक बार हमें मौका देकर देखिए और स्थानीय सांसद से पूछकर देखिए कि आज तक आपके लिए क्या विकास किए हैं। बता दें कि विक्रम का ट्रॉमा सेंटर, डाक बंगला, गांधी आश्रम और त्रिभुवन पुस्तकालय के बारे में भी बात की। वहीं इस दौरान विक्रम के पूर्व विधायक अनिल शर्मा, कांग्रेस नेता मंटू शर्मा, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चंदन कुमार, दिलीप कुमार यादव, जिला परिषद मेजर चंद्रवंशी, अर्जुन राम, जिला परिषद मंटू पासवान, सुजीत रविदास, उमेश यादव के साथ कई अन्य लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दिलीप कुमार यादव और मंच का संचालन शंकर पासवान ने किया। विक्रम प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप क्या करिएगा। देखिए हम क्या करेंगे, वो हमने तो करके दिखाया, जो 17 वर्षों में नहीं हुआ वो तेजस्वी ने 17 महीनों में करके दिखाया। आपने तो वादा किया लेकिन बेरोजगारों को छलते रह गए। हमने कहा कि तेजस्वी मतलब रोजगार, अगर तेजस्वी है तो विश्वास है, तेजस्वी है आप, तेजस्वी अभी ज्यादा दिन नहीं है विधानसभा का भी चुनाव। यहाँ पे महागठबंधन के सभी नेतागण मौजूद हैं, सब लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि आप लोग क्षेत्र के लिए, स्पेशली इस क्षेत्र के लिए, पाटलिपुत्र क्षेत्र के लिए, छेओ विधानसभा के लिए, मैं इस बार अपना मैनिफेस्टो जारी करूंगी कि मैं विक्रम में क्या करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे यहाँ विक्रम में ट्रॉमा सेंटर का क्या हाल है, बहुत सारी मशीनें यहाँ सड़ रही है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है। इसका दोषी कौन है, इस देश का प्रधानमंत्री, इसका दोषी कौन है, इस देश इस का सांसद। हमें तो मौका नहीं दिया, लेकिन मैं करना चाहती थी, लेकिन आप इसको मौका दीजिए। बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ की एक मांग है डाक बंगला, जिसकी मांग है यहाँ एक पत्रकार बंधु होंगे, वो भी एक लाइब्रेरी की बहुत दिनों से चर्चा करते रहते हैं। मैंने कहा मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर इन सब समस्याओं को निदान करने की कोशिश करूंगी, और आप विश्वास रखिए मैं आपकी बहू बेटी हूँ और खास तौर पे महिला हूँ। मैं आपको छलूंगी नहीं, मैं आपसे झूठा वादा नहीं करूंगी, जो मैं वादा वही करूंगी जिसको मैं पूरा कर सकूं। तो आप लोग एक बार विश्वास करिए। देखिए रेलवे लाइन के लिए भी बहुत वक्ताओं ने कहा, मैं तो यही कहूंगी कि अभी पालीगंज बीता से औरंगाबाद लाइन पे देख लीजिए क्या स्थिति है। इसका शिलान्यास मेरे पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था, शिलान्यास किया था। पालीगंज हमारे भी राम है, इसमें कोई मोदी जी का तो नहीं लगा है, भाजपा के नेताओं का तो नहीं है। दूसरा एक और बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया गया, कहा जा रहा है कि हमने न्योता दिया था, सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। भाजपा वाला हम लोग को क्यों बुलाएगा, इसका जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। उन्होंने तो किसको बुलाया था, जो कहा जाता है सनातन धर्म में चार हमारे मठाधीश हैं, उसमें से एक भी मठाधीश ने राम मंदिर में वहां पे मौजूद नहीं थे, अकेले हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूजा की। किसको बुलाया गया था, सारे पूंजीपतियों के परिवार को वहां बुलाया गया था मंदिर में, सारे फिल्म स्टार को वहां बुलाया गया था, सारे अभिनेता और नेता को बुलाया गया था, लेकिन जिसके ऊपर जो चार मठाधीश हैं हमारे शंकराचार्य हैं, जो हिंदू और सनातन धर्म के, उनको पूछा तक नहीं गया था। उन्होंने कहा था कि मंदिर में इतनी जल्दी क्या है, लेकिन मोदी जी को तो बहुत जल्दी था,
क्योंकि चुनाव उनको दिख रहा था 2024 का चुनाव और अपनी गद्दी को बचाना था, इसलिए उन्होंने आधे अधूरे मंदिर का उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। देखिए मैं यहाँ मंदिर पे मस्जिद पे कौन क्या खाएगा इसकी चर्चा नहीं करना चाहती, अब मैं अपने क्षेत्र पे केंद्रित रहना चाहती हूँ। पाटलिपुत्र लोकसभा का क्षेत्र है, मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ क्या केंद्र से कोई सहायता 10 वर्षों में आई है क्या? अभी हाल में लोगों ने मुझे बताया कि अमित शाह की सभा थी यहाँ पे पालीगंज में, यहाँ के सांसद महोदय को जब उस मंच से बोलने नहीं दिया जा रहा था तो आप सोच सकते हैं कि ना किसानों के लिए वो पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं ना इस देश के बेरोजगारों के लिए आवाज उठाते हैं। तो क्यों चाहिए आपको ऐसा सांसद जो अपने ही नेता के सामने मुंह नहीं खोलता है आपके लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके हक हकूक और लड़ाई के लिए? बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, मैं कुछ दिन में मीडिया भारती जी विजय होगी इसमें कोई रोक नहीं सकता है कि हमें विश्वास भरोसा मैं दिलाता हूँ। अभी हमारा भाई कह रहा था कि मुर्गा दारू में लोग चुनाव को भेज देता है, चुनाव कोई मजाक नहीं है, चुनाव से आपका प्रतिनिधि चुना जाता है और उस प्रतिनिधि पर आपका 5 साल का भविष्य होता है, आपका कैसे विकास होगा, आपका दुख सुख का सहारा होता है, आपको आपका कैसे जीवन आगे बढ़े। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच को संचालित करने वाले कांग्रेस साथी, मंच पर विराजमान हमारे इसके लिए प्रत्याशी महागठबंधन के बहन मीसा भारती, अनिल जी, मंटू जी और अन भाई दीनानाथ और अन्य साथी और आप तमाम कार्यकर्ता बैठक में सबसे पहले चैत छठी का जो व्रत शुरू साथियों का हो, साथ ही आपका जोश देख करके ऐसे ही लगा कि अब की लड़ाई पिछली लड़ाई के समान नहीं, पिछले दिनों से जो 14 से अभी तक चल रहा था दो टर्म जो के बहु के रूप में आपके बीच बैठी है, सभी सामाजिक समरसता के साथ सभी जात पात से ऊपर उठकर हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है इस बार इस बहु को यहाँ से पार लगाकर पार्लियामेंट भेज देने का काम करना है। हमारे मीसा भारती जी हर बार चुनाव हुआ और खास करके अभी नौजवान अभी बैठे हमारे नवसपुर के भी अध्यक्ष हमारे कमिश्नर जादव जी, सभी सदस्यगण, सभी पार्टी के सदस्य उपस्थित, सभी बुजुर्ग अभिभावक, नौजवान साथी जो आने वाला कल का भविष्य है। और अभी कह रहा था कोई भाई कि नौजवान जब जागता है इतिहास बदल कर रखने का काम करता है। 3-4 बात सीधा मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं। हम लोग पाटलिपुत्रा के 6 सीट पर हमारा एमएलए है, महागठबंधन का एमएलए है, क्या कारण है कि हम हार जाते हैं चुनाव? ये सोचने की बात है, ये जरूरत है कि सभी लोग मिलकर एक समरसता के साथ सर्व समाज के साथ जो लालू जी का आवाज था गांव